मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्टूबर में इस तरह की अप्रत्याशित बाढ़ ना कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी। पहली बार प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है और सरकार इस आपदा का युद्ध स्तर पर मजबूती से सामना कर रही है। संकट की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। पीड़ितों तक राहत सामग्री व अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन को पर्याप्त सामग्री व धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। बाढ़ से हुए हर प्रकार के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गोरखपुर जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गोला तहसील के बड़हलगंज फोरलेन बाईपास तथा शहर के बाल विहार विद्यालय लाल जिग्गी बसंतपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। दोनों ही स्थानों पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया, साथ ही आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर पीड़ित के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। प्रत्येक पीड़ित तक हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि अक्टूबर में आए इस अप्रत्याशित बाढ़ का जायजा लेने और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री व अन्य सहायता उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वह बाढ़ क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर का हवाई सर्वेक्षण करने व मौके पर जाकर लोगों से मिलते हुए आज गोरखपुर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि हर पीड़ित के घर तक राहत सामग्री समय रहते पहुंच जाना चाहिए। उनको सुरक्षित स्थान पर लाने के साथ ही भोजन, शुद्ध पेयजल और दवाओं का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। पशुओं के चारे की व्यवस्था करने का भी निर्देश प्रशासन को दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। दो तरह की किट में दी जा रही है राहत सामग्री। किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर दाल, आधा किलो नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम सब्जी मसाला, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन शामिल है। इसके अलावा 10 किलो आलू, 5 लीटर केरोसिन, 5 लीटर क्षमता के 2 जरी केन, 15x10 फीट की एक तारपोलीन सीट भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ से जनहानि पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाए। अंग भंग होने पर 2,50,000 रुपए तक की सहायता के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने या मकान बनवाने के लिए तत्काल 1,20,000 रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के चलते पशुओं की हानि का भी सर्वे कराया जा रहा है, साथ ही जिन किसानों की फसलें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं, सर्वे कराकर उन्हें हम 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति देंगे। 12 मासी फसलों पर 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह दुधारू पशु गाय, भैंस आदि के मरने पर 37,500, बकरी भेड़ सुअर के मरने पर 4,000, गैर दुधारू पशु ऊंट घोड़ा आदि के मरने पर 32,000, बछड़ा गधा टट्टू आदि के मरने पर 20,000 रुपए की दर से पशुपालकों को सहायता राशि दी जाएगी। मुर्गी पालकों को हुई क्षति पर प्रति मुर्गी 100 रुपए प्रति की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन में बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और छिड़काव का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। दिवाली से पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराते हुए शुद्ध पेयजल, विद्युत आपूर्ति बहाली समेत हर व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए। लालडिग्गी में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने उनके बच्चों को खूब दुलारा, उन्हें प्यार और आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट गिफ्ट किया। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से टिटोली भी की। एक बच्चे से पूछा कि स्कूल जाते हो या नहीं, घर में झगड़ा तो नहीं करते, गाली तो
तो नहीं देते, बच्चे के इनकार में सिर हिलाने पर मुख्यमंत्री भी खिलखिला पड़े। राहत सामग्री वितरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से आत्मीय अंदाज में उनका हाल जाना। बुजुर्ग महिलाओं से पूछा कि माई राहत सामग्री का यह किट लेती जाओगी या दिक्कत होगी। पास में मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देशित किया कि जो लोग राहत सामग्री किट ले जाने में असमर्थ हो उनके घर तक सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। बड़हलगंज में बाढ़ पीड़ितों के बीच मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद कमलेश पासवान और विधायक राजेश त्रिपाठी की तरफ से सरयू नदी पर बैरिया सरिया तटबंध बनाने के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरयू व राप्ती के संगम क्षेत्र को बाढ़ विभीषिका से बचाने के लिए सरकार कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए वह खुद पूर्व में ही भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। आसन्न बरसात के बाद एक बार फिर सर्वे कराकर आगामी वर्षों के बाढ़ त्रासदी से बचाव की मुकम्मल रूपरेखा तैयार की जाएगी। बड़हलगंज में मुख्यमंत्री के साथ सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाढ़ पीड़ित महिलाओं और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अपना
उसे छेद जाने के लिए बाढ़ राहत पीड़ितों के बीच में सर्वपल्ली देवी जी, वाइफ ऑफ राम नरेश जी, चक्रा अव्वल के बाढ़ प्रभावित लाभार्थियों को राशन के मुख्यमंत्री महोदय अपने कमलों से प्रदान कर आश्वासन प्रदान कर रहे हैं कि संरक्षण बना है। श्रीमती इंदु देवी जी, वाइफ ऑफ श्री ओम हरी जी, राजमती जी, वाइफ ऑफ श्री बुल्लू जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बाढ़ राहत खाद्यान्न सामग्री को प्राप्त करते हुए, चक्रा दोलन से किस्मती जी, वाइफ ऑफ लालधर जी, रामप्रीत जी, सन ऑफ श्री राजा राम जी, पलकधारी जी, सन ऑफ श्री कुंजू जी, झरवा क्षेत्र से राधिका देवी जी, वाइफ ऑफ बांकीलाल जी, इसरावती जी, वाइफ ऑफ आप कैसे लेके जाएंगे, आपका तो हाथ ऐसा हो रखा है, कोई साथ में है? मनो जी, वाइफ ऑफ लालू जी एवं आमना खातून जी। उन्हें अपना संरक्षण एवं मदद प्रदान करते हुए कि इस बाढ़ विभीषिका में जूझते हुए पर अपना संरक्षण सतत रूप से नन्हे नन्हे बच्चों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से उन्हें ट्रॉफी प्रदान करेंगे। अभिभावक माता पिता का संरक्षण प्राप्त हो सके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें आश्वासन एवं संबल प्रदान करते हुए कि यह बाढ़ का विभीषिका कुछ सभी एक बार पुनः सुखद रूप से नन्हे बच्चों से वार्ता करते हुए ट्रॉफी प्रदान करते हुए अपने कर कमलों से किसी का भी बस माननीय मुख्यमंत्री सभी बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल कुशल क्षेम जान कर उन्हें संबल प्रदान कर लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण के आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के, हमारे युवा और जुड़ाऊ महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद श्री रामगोपाल कुशवाहा जी, श्री रणंजय सिंह डुंगू जी, महानगर के महामंत्री शिवचानंद शाही जी, प्रशासन और पुलिस के सदस्य,
सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों, अक्टूबर महीने में बाढ़ आपने कभी नहीं सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन पहली बार इस आपदा का सामना प्रदेश में कई जनपदों में लोगों को करना पड़ रहा है। आपदा का सामना करते हुए राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि और सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन सभी कार्यों की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर जनपद के दौरे पर निकला हूँ। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और आज गोरखपुर में भी मैं आया। बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, पहले सूखे के कारण और अब अतिवृष्टि के कारण। हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। हमने प्रशासन को पहले स्पष्ट कह दिया है कि हर बाढ़ जहां पे घरों के अंदर पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। जहां पर लोग अपने घरों में रह सकते हैं, नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सब की व्यवस्था लगाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी की जाए। राशन किट के लिए भी हर पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना, भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, जीएसआई, मोमबत्ती और अन्य सभी प्रकार की सामग्री उस परिवार को जो भी उसके घर गृहस्थी के संचालन के लिए आवश्यक हो उसे तत्काल कराएं, उपलब्ध करवाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर के काटने के लिए जो भी आवश्यक दवा या इंजेक्शन है वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यही व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो या उसे आवास उपलब्ध करवाया जाए। किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए आपदा के कारण, 4,00,000 की सहायता उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाया जाए। अंग भंग होने पर 75,000 से 2,50,000 रुपए तक की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। उपचार के लिए पशु हानि में भी व्यवस्था की गई है और फसलों की हानि का भी आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अविलंब हर किसान को पर्याप्त मात्रा में हम मुआवजा भी उपलब्ध करवा सके। आपदा के समय में पूरी सरकार आप सबके साथ में है, हमारे जनप्रतिनिधिगण लगे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, हमें आपका का मजबूती के साथ सामना करते हुए, बचाव करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कुछ ही दिनों में दीपावली भी आएगी, अभी से बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा। उन स्थितियों में
वहां पर स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव आदि की कार्रवाई तेज हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, सड़कों के निर्माण की कार्रवाई, विद्युत बहाली आदि सब कुछ करते हुए दीपावली के आयोजन को भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर बाढ़ के कारण पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा होगा, सरकार आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अन्य लोगों के लिए वितरण का काम किया। आप लोग अपने परिवार के जिनको बुलाना चाहते हैं जो इसको लेकर के जाएंगे। मन्नू का नाम से बाहर, मन्नू का नाम से अपन नाम बारामपुर। हाँ बाबू, बड़ी पानी बा, चारों ओर से पानी बा, बीच में गांव बा, घर बा, नदी पर नाई पर चढ़ल जाता था, बरना पे आवल जाता है। हम वे सब भाषण तो कहीं ना, वे सुव्यवस्था के लिए तो कुछ सब मंत्री जी राहत बांटे हैं, राहत सामग्री कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। अरे बहुत कुछ कह जाए। आमना खातून भाई भगवा में बारामपुर। मुख्यमंत्री जी राहत सामग्री बांटे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो राहत सामग्री बांटा गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, मतलब मिल गया, कुछ तो सुविधा हो गई, कुछ जी कुछ तो हाँ अपने हाथ से दिए, बहुत अच्छा लगा है, मतलब आराम से ले लिए, अब कुछ दिन के आराम हो गया है जरूर। क्या सरकार काम कर रही है? हाँ और क्या कहेंगे, काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति बेहद संवेदनशील रहते हैं और पूरे जिले में जितनी भी जगह है, यूपी के पूरे जिले में जितनी भी जगह बाढ़ के विभीषण का है, वहाँ मंत्री जी मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो लोग पीड़ित हैं उनको हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, इलाज की सुविधा, खाद्यान्न की सुविधा, सारी चीज़ें उनको दी जा रही है कि उनको किसी तरह की पीड़ा नहीं है। जिसका घर गिर गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या जिसके पास नहीं है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भारी संख्या पर लोग आए हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं और अपना अपना खाद्यान्न, एक महीने का राशन, तेल, चना, नमक और सारी चीज़ें जो घर की आवश्यकता है लेकर के जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को अपने शहरवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।